अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लज्जत दिल्ली 6 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं झटपट से बन जाने वाले दही बड़े की रेसिपी। ये दिल्ली 6 के बहुत फेमस दही बड़े हैं। आप इसे हमारे तरीके से बनाइए और आप देखिएगा आपकी पकौड़ियाँ बिल्कुल रुई के जैसी सॉफ्ट बनेंगी। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है, एक छोटी प्याज ली है मैंने, एक हरी मिर्च ली है और इसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। थोड़े से मैंने फ्रेश हरा धनिया लीव्स ली हैं, नमक मैंने स्वाद के अनुसार लिया है, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चुटकी मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब क्या करना है, बेसन के अंदर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये लास्ट में मैंने 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाला है क्योंकि इसी की वजह से तो हमारी पकौड़ियाँ जो बनेंगी वो बिल्कुल फूली फूली और सॉफ्ट बनेंगी। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखें, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि कोई लंप ना रह जाए। इसे अच्छे से मिला लेना है और अगर आप एक साथ पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर हो सकता है कि हमारा बेसन का घोल जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, जो हमें नहीं चाहिए ज़्यादा पतला। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि आपको अंदाज़ा होता जाए कि हमें बेसन का घोल कितना रखना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। आप देख सकते हैं एक भी लंप नहीं है हमारे बेसन के घोल में और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं और इतने हम दही तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 250 ग्राम दही ली है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च की चटनी डाली है। अगर आपको इस हरी मिर्च की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। फिर मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च और नमक मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने पानी 500 ml यूज़ करा है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पहले पकौड़ियाँ फ्राई कर लेंगे, पकौड़ियाँ करने के बाद फिर उसे पानी में थोड़ी देर छोड़ देते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम दही के अंदर ही पानी ज़्यादा ऐड करेंगे और पकौड़ियाँ डायरेक्ट दही के अंदर डालेंगे। आप देख सकते हैं, अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये कितना पतला है, लेकिन जब इसके अंदर अभी हम पकौड़ियाँ डालेंगे तो फिर ये इतना पतला नहीं रहेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, पकौड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है और छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम इसके अंदर डालना शुरू करेंगे। इसे ध्यान से करना है, कहीं ऐसा ना हो तेल की छींटे आ जाएं आपके ऊपर। आप देख सकते हैं कैसे गोल गोल पकौड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ मैंने हरी चटनी जैसे दही के अंदर मिक्स करी थी, आप चाहें तो उसमें लाल चटनी भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको लाल चटनी की भी रेसिपी चाहिए तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ही चेक कर लें। इसे चला लेंगे, पलट लेंगे सारी पकौड़ियों को ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएँ। मैं आपको इस जगह यही टिप दूंगी कि आप जो पकौड़ी के बेसन के अंदर जो आपने बेकिंग पाउडर डालेंगे तो आप उसको जितना मैंने लिया है उतना ही लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो उससे आपका भी ये सोचें कि पकौड़ी ज़्यादा हमारी फूली फूली बन जाए, ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं उसके साथ, बल्कि ऐसा होगा कि टेस्ट जो है बेकिंग सोडा का आने लगेगा और वो बिल्कुल भी टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता।
पकौड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो रही हैं और जैसे ही पकौड़ी बन के तैयार होगी हम फ़ौरन उसको निकलते ही अच्छे से दही के अंदर डाल देंगे। उसको हमें पहले बाहर नहीं रखना है, कढ़ाई से निकालते ही फ़ौरन उसको दही के अंदर डालना है ताकि दही के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से पकौड़ियों के अंदर आ जाए और पकौड़ियाँ एकदम से फूल जाएँ। अगर ये ठंडी हो जाएंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पकौड़ियों डालने के बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद ये इसको सर्व कर सकते हैं। हमारे दही बड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे सर्विंग के टाइम पर इसको गार्निश कर सकते हैं हरे धनिया और प्याज से। चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल लज़्ज़त-ए-दिल्ली 6 को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।